अरे तुम होश में हो? तुम्हें अंदाजा है क्या करके आ गए तुम? बाबा सईद अंकल को उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अकेले धंधनाते हुए पुलिस स्टेशन चले गए, इतने बड़े हो गए हो तुम? बाबा दुआ पर जुल्म हुआ है। बस करो शहजाद, बस करो। कम से कम तुमसे यह मखाना हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या हो गया फरमान, ऐसे क्यों डांट रहे हैं? पुलिस स्टेशन से कॉल आई, सईद को उठा के उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ। अच्छा तुम जानते हो सईद के खिलाफ बयान किसने दिया? उसका नाम सुनोगे सर पकड़ के यहीं बैठ जाओगी। तो किसने? ये मौसूफ, ये गए थे थाने जाके सईद के खिलाफ बयान देकर आए हैं कि दुआ ने इनको बताया कि इन सारे मामलों के पीछे सईद का हाथ है। शहजाद पागल तो नहीं हो गए तुम? अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, सईद अंकल को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए थी। तो पहले से ही तुम्हारे खून के प्यासे? मुझे डर नहीं लगता उनसे। दुआ शायद पुलिस के सामने कुछ ना बोलती, लेकिन मैंने उसकी जबान से खुद सुना है कि उसको लड्डू सईद अंकल ने दिया। ठीक है, अच्छी बात है तुम्हें पता चल गया, तो ये बात अपने तक रखते ना। तुम्हें किसने कहा था कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ यार? ताकि सईद अंकल जिस मकसद में कामयाब नहीं हुए उनको दोबारा मौका मिल जाता, वो फिर से दुआ की जान लेने की कोशिश करते। आप लोग मुझे इतनी बड़ी बात छुपाने को बोल रहे हैं? बाबा कसूरवार जुर्म करने वाला नहीं होता, जुर्म को छुपाने वाला भी होता है। इसीलिए मैं इसे हॉस्पिटल जाने से रोक रही थी, लेकिन आपने इसे इजाजत दे दी। सी सईद भाई इसके दुश्मन थे, एक और नया बहाना मिल गया अब उन्हें। सुनो एक बात बताओ मुझे, इसने जो किया गलत किया? नहीं मैं ये सोच रहा था कि सारी जिंदगी मैंने इसको यही तो सबक दिया है कि हमेशा हक का साथ देना, सच के खिलाफ खड़े हो। मैंने उसे डांट तो दिया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने हक का ही तो साथ दिया है, क्या गलत किया इसने? बिल्कुल ठीक किया। फरमान चाहे इससे ये उम्र भर की दुश्मनी क्यों ना पाल ले। देखो हक का साथ दिया तो मुश्किलात तो होंगी, और मैं जानता हूं दुआ मजलूम है। अगर ये सब के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो हम दोनों क्यों नहीं हो सकते? शहजाद को सईद भाई के शर से बचा कर रखना चाहती हूँ फरमान। शहजाद को सईद से कोई खतरा नहीं है, इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अब क्या आप उसे शाबाशी देने चाह रहे हैं? देखो शाबाशी तो हमारी बनती है, हमें अल्लाह पाक ने ऐसी औलाद दी जो अब सच के साथ खड़ा होना सीख चुका है।